Greetings in the name of Yeshua HaMashiach and welcome to the voice of the Messiah. Yeshua Masiha ke naam se aap sabhi ka abhivadan karte hain aur hum aapka swagat karte hain voice of us karyo mein. What I have in front of me is the biblical calendar or God's calendar which is written in the book of Leviticus chapter 23. Aur mere samne jo calendar tanga gaya hai wo parmeshwar ka calendar hai. और उसे हम देखते हैं लेवे व्यवस्था उसके 13वें अध्याय में किस प्रकार बताया गया है। This calendar is a lunar solar calendar based on the new moon, which is written in Isaiah 66 verse 23. यशायाह 67 के उसके 18वें अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार कि इस लूनार जो कैलेंडर है उसके बारे में वहां पर बताया गया है। दिस कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द साइटिंग ऑफ द न्यू मून व्हिच इज नोन एज रोश कोदेश। रोश कोदेश जो नए चांद के अवसर पर है उसके आधार पर यह कैलेंडर बनाया गया है। इन आइज़ाया 66 इट सेज इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम इन द मिलेनियम दैट वी विल वर्शिप द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू द मून फेजेस। और जिस प्रकार चांद दिखाई देता है सहस्राब्दी के उस वर्ष में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना करेंगे। सो वी हैव बीन फॉलोइंग दिस प्रोग्राम throughout the time from the time we started at the month of Elul which was the time of repentance. Elul ka mahina tha usi mahine mein hum is karyakram ko shuru kiye hain aur wo jo mahina hai jo pachhatap karne ka ya man firane ka jo samay kehte hain. We moved on into the month of Tishri which was the beginning of the new year 5777. Aur 1577 jo naya varsh kehla jata hai उस महीने में हम अपने आप को कदम रखे हैं जिसका महीना कहा जाता है तिसरी का महीना। As I said, this calendar is a lunar solar calendar. So the solar part of the calendar is based on the harvest festivals which take place in Israel. और जिस प्रकार मैंने कहा कि लूनार के उस चांद के आधार पर यह कैलेंडर बनाया गया है और यह कैलेंडर उस प्रकार शुरू होती है उस कटनी के समय से आगे बढ़ते हुए। We entered into the month of Tishri which came in September 2016 but in the Jewish calendar it was 5777. जिस प्रकार हम 2016 की सितंबर महीने में जो तिसरी का महीना कहा जाता है इब्रानी कैलेंडर में और वो उस प्रकार 1577 के उस आधार पर उस वर्ष को हम देखते हैं। So this calendar began with the new year. We moved into Yom Kippur which was the day of atonement. जिस प्रकार हम उस नए महीने में या उस कैलेंडर में हम आगे बढ़ते हैं योम कतूर नामक उस प्रकार उस दिन के में प्रवेश करते हैं जहां पर हम देखते हैं जिस प्रकार बलिदान का वो महीना। And then we celebrated the feast of Sukkot which is the feast of tabernacles. और उसके बाद हमने मनाया सुकोत का वो पर्व जो मिलाप वाले तंबू का पर्व के तौर पर जाना जाता है। It is believed during this time that the gates of heaven are opened for repentance. और हम विश्वास करते हैं कि ये जो समय है जहाँ पर स्वर्ग का द्वार खुलता है मन फिराने के लिए एक अवसर दिया जाता है। So the message was on repentance throughout this month of Elul since we were following the biblical calendar or God's calendar. अलूल के उस महीने के आधार पर जिस प्रकार हम आगे बढ़ रहे थे जो परमेश्वर का कैलेंडर है तो हम देखते हैं कि हमने शुरू किया था मन फिराव से लेकर आगे। So what we have done is now we have moved on into the next month which was the month of Sheshvan. और हमने अगले महीने में प्रवेश किया है जो महीना कहा जाता है शेषवान का महीना। And then we moved on to the month of Kislev. उसके बाद हम किसलित नामक महीने में प्रवेश किए। And we celebrated the feast of Hanukkah which was mentioned in John 10 verse 22 that Yeshua himself celebrated this festival. और हमने उसके बाद अगले महीने में प्रवेश किया जहां पर हम हनुका का वो पर्व मनाया गया जिस प्रकार यहोना के इंजिल उसके 10वें अध्याय 22वें पद में इस यीशुआ खुद कहता है कि वो उसने बनाया था। दिस फेस्टिवल ऑफ हनुका वाज द फीस्ट ऑफ लाइट्स और फीस्ट ऑफ डेडिकेशन दैट इज मेंशनड इन द बुक ऑफ जॉन 10:22। और जिस प्रकार हनुका का जो पर्व मनाया जाता है जो यहोना 10:22 में कहती है जहां पर हम देखते हैं समर्पण या एक रोशनी का एक पर्व के तौर पर देखा जाता है। एंड नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ तेवेत। और अब हम तेवेत के महीने में प्रवेश कर चुके हैं।
Today being the 10th of Tevet, which is 8th of January, according to this calendar 2017. और तिवेत का महीना है जहां पर हम 10वें तारीख में हैं और 2017 का अगर हम देखा जाए तो जनवरी 8वां तारीख है. Now what is so important about this day of 10th of Tevet? क्या इतना महत्वपूर्ण है तिवेत जो उसमें का 10वां दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? As I have been saying that these days are all important according to God's calendar. और मैंने कह रहा था जिस प्रकार कि ये सभी महीना सभी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिस प्रकार परमेश्वर के कैलेंडर से है. Because God has set timings and set works that he does on this particular calendar of his. अपने कैलेंडर में जो परमेश्वर ने कार्य निर्धारित किया गया है जो समय और महीने को निर्धारित किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. So this day was the day when Esther, when she entered into the king's palace, she started her process for purification. और ये वो दिन है जहां पर हम देखते हैं एस्तेर उस राजमहल में प्रवेश करती है जहां पर वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए जो दिन शुरू होता है वही ये दिन है. एंड इफ दिस वाज द डे 10th ऑफ तिवेत, अगर ये वो महीना है जो तिवेत का 10वां दिन, और 8th ऑफ जनवरी 2017, या फिर 8 जनवरी 2017, देन दिस वुड आल्सो बी द डेट व्हेन शी एंटर्ड इनटू द किंग्स court and he chose her to be the queen. तो ये दिन वो भी हो सकता है जहाँ पर एस्तेर खुद उस आंगन में प्रवेश करती है जहाँ पर उसे रानी के तौर पर दिखाया गया है. Because this was a time of the completion of her purification process, which lasted, as the Bible states in Esther 2, it lasted for one full year. और ये वो दिन भी हो सकता है जहाँ पर एस्तेर अपने आप को शुद्ध कर बाहर आती है जिस प्रकार एस्तेर उसके दूसरे अध्याय में कहता है कि उस शुद्ध होने का पूरा एक साल लगा था. We always say that we are the bride of Christ. हम हर वक्त कहते हैं कि हम मसीह के दुल्हन के तौर पर. And just as Esther became the bride of the king, और जिस प्रकार एस्तेर बनती है उस राजा के दुल्हन के तौर पर, so also we should be preparing ourselves to meet our king. उसी प्रकार हमें अपने आप को तैयार करना है उस राजा से मिलने के लिए. एंड अनलेस वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स एंड गो थ्रू द प्योरिफिकेशन प्रोसेस, और जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करते और उस शुद्धिकरण के उस रास्ते से नहीं जाते, देन वी मे नॉट बी सिलेक्टेड एज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट. तो हम हो सकते हैं कि मसीह के उस दुल्हे के तौर पर हम चुने नहीं जा सकते. यीशुआ हिमसेल्फ सेड, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन. यीशुआ खुद कहा कि बहुत बुलाए गए हैं मगर कुछ ही हैं जो चुने गए हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन. तो आइए हम देखें कि किस प्रकार शुद्धिकरण के उस रास्ते से जाना पड़ता है. बिफोर दिस आई वुड जस्ट लाइक टू रन थ्रू द स्टोरी ऑफ एस्तर इन केस समवन डजंट नो दिस स्टोरी. तो मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार अगर कोई इस कहानी को नहीं जानता है तो उसके बारे में छलक में कुछ बातें कहना चाहती हूँ. इट बिगिंस विद अ किंग हु इज नोन एज अशेरियस, बट इन हिब्रू ही इज नोन एज अखवेरोश. और शेरस राजा के शुरुआत से हम देखते हैं कि जिस प्रकार शुरू होती है जिसको इब्रानी भाषा में अखेलरस हम कहते हैं. ही थ्रोज अ बिग पार्टी इन पर्शिया, और पेरिस के उस देश में एक बहुत बड़े पर्व को मनाता है. He becomes so drunk at the party that he asks for his wife, whose name is Vashti, to come before his guests. और बहुत नशे में होने के बाद उसने इस प्रकार वास्ती से कहती है जो उसकी रानी है कि उसके मित्रों के सामने आए. Vashti doesn't come in front of his guests, so he gets rid of her, and then he takes Esther to be his bride. और वास्ती उस मेहमान के सामने ना आने के कारण उस पर गुस्सा होते हैं और वहाँ पर रानी के तौर पर एस्तेर को लेते हैं. Then Esther's cousin Mordecai, he hears a plot against the king. और इस प्रकार मुर्देकाई जो एस्तेर के बहुत ही करीबी चाचा थे इस प्रकार जानते हैं किस प्रकार राजा को मारने जा रहे हैं. There's a villain in this story whose name is Haman, who wants to get rid of the Jews. और यहाँ पर हम देखते हैं इस पूरे कहानी में एक विलन के तौर पर उस मुर्देकाई को देखते हैं. He then goes and makes a decree that all Jews should be killed. और इस प्रकार घोषणा करता है कि हर एक यहूदी मारा जाना है. Esther intervenes to the king and she saves the Jews from
मैसेकर और एस्तेर उसके बीच में आती है और उस बड़े लहूबहान से उनको बचाते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट द एनिमी हैज मेंट फॉर बैड गॉड टर्न्ड इट अराउंड एंड मेड इट फॉर गुड. दुश्मन जिस प्रकार बुराई के लिए उसे ठहराया था मगर परमेश्वर उसमें उतर कर भलाई करता है. रिपेंटेंस इज द की फैक्टर हियर. यहाँ पर मन फिराव को मुख्य तौर पर हम देखते हैं. बिकॉज एस्थर कॉल फॉर अ फास्ट एंड दे ऑल रिपेंटेड एंड दैट्स हाउ शी गॉट हर फेवर टू गेट टू सी द किंग. एस्थर बुलाती है पूरे देश उस उपवास में और अपने गलती को मानते हुए उस राजा के करीब पहुंचती है. द मीनिंग ऑफ एस्थर मीन्स मर्टल विच इज अ प्लांट विच डज नॉट लुक वेरी गुड. और एस्तेर उसका अर्थ है मर्टल जिस प्रकार हम देखते ऐसा एक पौधा जो अच्छा नहीं दिखता है. बट इफ यू क्रश द लीव्स ऑफ दिस प्लांट अ नाइस फ्रेग्रेंट अरोमा कम्स फोर्थ फ्रॉम दिस लीव्स. मगर जब हम इस पेड़ के उस पत्ते को रगड़ते हैं बहुत ही अच्छी सुगंध द्रव के समान उसमें से महक आती है. एवरी टाइम वी सी द वर्ड फेवर इन द बुक ऑफ एस्तेर वी नो दैट देयर इज समथिंग which is very very significant in this book. और इस पूरे पुस्तक में हम ऐसे एक बात को देखते हैं जो परमेश्वर का एहसान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे बुक पुस्तक में. The word for favor in Hebrew is ken, which means that it is something which can also mean relate to chesed, which means grace. और हम देखते हैं कि ये एहसान जो इब्रानी भाषा में खेन के तौर पर कहा जाता है उसका अर्थ है जो हम देखते हैं कि कहा गया है अनुग्रह के तौर पर. इन एस्थर 2:15 वी रीड फेवर इन द साइट ऑफ ऑल दोज हु लुक्ड अपॉन हर. और एस्थर 2:15 में हम देखते हैं एहसान होते हैं जो कोई उस स्त्री की ओर देखे. एंड इन एस्थर 2:17 वी रीड एंड शी ऑब्टेन ग्रेस एंड फेवर इन हिज साइट मोर देन ऑल द वर्जिन्स. और 2:17 में एक और बार देखते हैं कि उसने उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर पाई जो और सबू से बढ़कर. इन एस्थर 5:2 वी रीड व्हेन शी कम्स बिफोर द किंग दैट शी ऑब्टेन फेवर इन हिज साइट. और 5:2 में फिर से देखा गया है कि राजा ने एस्थर रानी को उसके आंगन में खड़े होकर उससे प्रसन्न होते हैं. नाउ व्हाट इज फेवर. फेवर इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सटर्नल. इट इज समथिंग व्हिच इज विद इन यू. Some beauty which God has put in within you that someone will find attractive, not only just one person, but wherever you go, as she found favor in the sight of even the person who was kept in charge of getting them ready or the for the purification process. और हम देखते हैं क्या है इस एहसान का अर्थ जहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के एक व्यक्ति के अंदर में उस प्रकार भरा गया है जो एहसान बाहरी तौर पर नहीं मगर अंदर देखा गया है. और हरेक व्यक्ति हम देखते हैं इस स्त्री से एहसान दिखाया गया यहाँ तक जब उसके एक साल की रूपरेखा को बनाया गया था वहाँ पे उस परुष को देखते हैं कि उसने एहसान दिखाया. In Psalm 84:11 it says only the Lord gives favor. और भजन संहिता 84:11 में हम देखते हैं केवल परमेश्वर एहसान दिखाता है. The word purification comes from the Hebrew root word, which means to be low, to come down to yourself. और शुद्धिकरण जो शब्द है उसका इब्रानी भाषा में अगर हम अर्थ देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही नीच अवस्था से आना. So we have that she for 6 months that she anointed herself with myrrh. और हम देखते हैं 6 महीने तक गंधरस के तेल से मला गया था. So what is myrrh? Myrrh is the sap which comes out from a tree, as I've got over here. After piercing the bark of the tree, it bleeds from the tree, and this is how it is collected. It has got such a sweet fragrance, just as frankincense. और हम देखते हैं ये गंधरस कहाँ से निकलता है? ऐसे एक पेड़ से जहाँ पर उसे जब काटा जाता है तो वहाँ से निकलता है उस गोंद के समान. और उसमें जब हम निचोड़ते हैं बहुत ही गंधरस या महक उसमें से निकलती है. मर्ल नीड्स अ डिस्टिलेशन प्रोसेस. गंधरस का कुछ ऐसा समय होता है कि उसको तैयारी किया जाना है. इट कम्स आउट एज अ लिक्विड फॉर्म. वो पानी के धार पर हमें पहले मिलता है. देन इट बिकम्स अ गैस. और उसके बाद वो वायु में बदल जाती है. एंड देन इट सॉलिडिफाइज अगेन. और फिर से उस पत्थर के समान फिर से बन जाता है. सो दिस इज व्हाट द ब्राइड हैज टू गो थ्रू अ डिस्टिलेशन प्रोसेस अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस.
और वही हम देखते हैं कि उस दुल्हन को उस प्रकार तैयारी से जाना था जिसके द्वारा उसे शुद्ध किया जाए. एंड दिस इज व्हाट एस्थर वेंट थ्रू नॉट ओनली इन द फिजिकल बट ऑल्सो इन द स्पिरिचुअल. और वही हम देखते हैं कि एस्थर ने शारीरिक तौर पर केवल नहीं मगर आत्मिक तौर पर से उसी प्रकार से गई. आफ्टर दिस शी वेंट थ्रू अनदर सिक्स मंथ्स वेयर अदर फ्रेग्रेंसेस वर पुट अपॉन देमसेल्व्स. और हम देखते हैं छह महीना उसके करने के बाद फिर से छह महीना जहां पर उनके ऊपर सुगंध द्रव डाला गया था. There's an ancient secret in all these oils which you see over here. और प्राचीन काल के अगर अवस्था में देखा जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सभी चीजें वहां पर थी. Myrrh is a very essential oil and it is referred to 11 times in the Bible more than any other perfume. और गंधरस को हम देखते हैं पूरे बाइबल में कम से कम 11 बार बताया गया है जो बहुत ही और गंधरसों से बहुत ही अलग है. इट हैज एन इफेक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द अमिगडाला व्हिच इज ऑल इन द ब्रेन. और हम देखते हैं ऐसा एक यंत्र होता है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है वो हाइपोथैलेमस और वहां पर उसका कार्य उस गंधरस के द्वारा होती है. सो दैट्स इट हैज अ हीलिंग ओवर द ब्रेन व्हिच अफेक्ट्स द एंटायर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और हम देखते हैं उस गंधरस के द्वारा उस मस्तिष्क में वो कार्य होता है और उसके द्वारा पूरे शरीर में वो प्रभावित करता है. इट हील्स यू फ्रॉम ट्रॉमास. और वो हम देखते हैं वो आपको चंगाई करेगा ट्रॉमास की ओर से. इमोशनल मेमोरीज और हमारी भावनाओं उस सोच को हमारे तैयार करेगा. एंजाइटी फियर एंड इट काम्स यू डाउन. और इस प्रकार वो हमको भयभीत से अलग करता है और हम अपने आप को नीचे करते हैं. सो दैट्स व्हाई इट वाज यूज्ड अपॉन दीज मेडन्स बिकॉज दे वर टेकन बाय फोर्स इनटू द किंग्स पैलेस. और हम देखते हैं इन कुवारियों पर वो तेल इस्तेमाल किया गया था क्योंकि दबाव के तौर पर ये कुवारियां राजमहल में लाया गया था. सो दैट दे कुड बी काम एंड फॉरगेट व्हाट दे हैव बीन गोइंग थ्रू. ताकि वो भूल जाए जो कुछ उनके साथ घटा था और शांत तौर पर वहां पर वो रह सके. दिस इज अ फ्रेग्रेंस ऑफ एन अनसेल्फिश हार्ट दैट विल योर सरेंडरिंग योरसेल्फ टू व्हाट द सिचुएशन इज. और इस गंधरस में हम देखते हैं कि कोई स्वार्थी बातें नहीं होती है और आप अपने आप को दीन करते हैं उसके सामने. एस्थर डिडंट गो टू द किंग्स पैलेस बाय हर ओन सेल्फ बट शी वाज फोर्स्ड इनटू दिस प्लेस. और एस्थर को हम देखते हैं अपने मन से उस राजमहल में नहीं जाती है मगर दबाव के साथ वहां पर जाती है वो. यीशुआ आल्सो मेड दिस सैक्रिफाइस व्हेन ही वेंट टू द क्रॉस अ स्वीट स्मेलिंग सेवर अनटू द लॉर्ड who has ever lived to make intercession for us. और वही हम देखते हैं यीशुआ के साथ भी घटता है. क्रूस में जाने से पहले उस पर वो गंधरस डाला गया था जिस प्रकार वो अपने आप को नम्र करता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे लिए बिचवाई करता था. The sweet smelling savor or the sweet smelling intercession which Queen Esther made for her people when she went into the king's palace even though she risked her life. और हम देखते हैं जिस प्रकार बिचवाई के लिए वो उस प्रकार करती है एस्थर राजमहल के सामने और उस राजा के सामने अपने आप को निर्वस करते हुए. द अदर परफ्यूम्स व्हिच वर यूज्ड फॉर द बैलेंस सिक्स मंथ्स वर स्पाइकनार्ड एसेंशियल ऑयल. और हम देखते हैं बाकी छह महीने के लिए जो सुगंध द्रव इस्तेमाल किए थे वो थे लोबान और उस प्रकार की बातें. दिस ऑयल ऑल्सो ऑक्सीजनेट्स द ब्रेन सो दैट यू कैन थिंक स्ट्रेट और थिंक प्रॉपरली. और इस तेल से भी हम देखते हैं सीधा मस्तिष्क में कार्य करता है और आप सीधा सोचने लगते हैं और उस पर विचार करने लगते हैं. दिस ऑयल वॉज यूज बाय मैरी ऑफ बेथनी व्हेन शी पोर्ड द ऑयल ओवर यीशुआज हेड एंड फीट. और वही हम गंधरस को देखते हैं जहां पर बेथनी के उस मरियम ने यीशु के सिर पर डाला और उनके चरणों पर डाला और हम उस प्रकार वहां पर देखते हैं. द फ्रैंकिंसेंस ऑयल ऑल्सो was one of the gifts which was given to the Messiah and this was one of the oils which was also used during the time of Esther's purification. और हम देखते हैं यीशु के साथ भी उस प्रकार का एक फल था जो सुगंध द्रव के तौर पर दिया गया और वही हम देखते हैं एस्थर के समय में भी इस तेल को इस्तेमाल किया गया था. And the balance oils would have been rose of Sharon and the myrtle oil. और बाकी जो तेल बच गए थे वो जो उस गुलाब के उस शुरून के समान है जो कार्य के लिए ठहराया गया था. सो वी सी दैट देयर वाज नॉट ओनली फिजिकल प्योरिफिकेशन बट एस्थर
was also being purified within herself to be a sacrifice to get ready to come before the king, because God was preparing her for this time when the day would come when she would intercede for her people. न केवल एस्तेर बाहरी तौर पर अपने आप को तैयार की, मगर अपने आप को अंदर से तैयारी की ताकि परमेश्वर के उस कार्य के लिए वो अपने आप को समर्पित करें और उस कार्य के द्वारा परमेश्वर का कार्य पूरा होने पाए. This favor, which comes only from God, lasted right till the time when she risked her life to come before the king to plead for her people. और ये एहसास हम देख सकते हैं उस समय भी जब वो अपने लोगों के लिए बिचवाई करने लगे और राजा के सामने जब वो आती है. As the bride of Christ, we should know how to conduct our lives. और जिस प्रकार हम मसीह के दुल्हन के तौर पर हैं, तो होने पाए कि हम देखें अपने आप को किस प्रकार स्थापित करने पाए. In Ephesians 5:15 and 16, it says. Ephesians 5 उसका 15 और 16 में इस प्रकार कहती है. See that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time. Because the days are evil. और हम वहाँ पर देखते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने समय को नियमित करने पाए, नहीं और उस प्रकार निर्बुद्धियों के समान नहीं मगर बुद्धिमान के साथ चलें, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. इसलिए आप निर्बुद्धि ना हो मगर परमेश्वर की इच्छा को आप जानने पाए. So this is like walking like the queen. और वो उस प्रकार का चलन है जिस प्रकार रानी चलती है. टॉक लाइक अ क्वीन और टॉक लाइक अ ब्राइड. अब बातें करें एक रानी के तौर पर, बातें करें उस दुल्हन के तौर पर. Ephesians 5:19. Ephesians 5:19 में कहती है. It says, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो. And prepare for the king, as said in 1 Peter 1. और पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के पहले पद में हम देखते जिस प्रकार कहा गया है राजा के लिए तैयार करें. Elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for the obedience and sprinkling of the blood of Yeshua HaMashiach. और जिस प्रकार हम चुने गए हैं उस परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ताकि उसके कार्य को हम पूरे करने पाएं और उस यीशुआ मसीहा के तौर पर हम अपने आप को ठहराएं जिसके लिए वो हमारे लिए चुना गया है. सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर टू बी द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट. यही है कि किस प्रकार हम उस मसीहा के लिए अपने आप को दुल्हन के तौर पर ठहराते हैं. आई होप यू हैव गेन्ड सम नॉलेज इनटू टुडेज़ टीचिंग ऑन द 10th ऑफ टिबेट regarding the purification process which Esther went through on this particular day. मैं आशा करती हूँ कि इस प्रकार कि इस त्वेत के 10वें दिन की जो महत्वपूर्ण बातें सिखाई गई हैं, जो शुद्धिकरण के बारे में कहा गया है, उसके द्वारा आप कुछ बातों को सीख चुके हैं. As we all know, when somebody is getting married, there's almost a one-year process in the natural realm. They get prepared for their wedding day. और हम देखते हैं स्वाभाविक तौर पर एक विवाह के लिए एक साल तक अपने आप को तैयार करते हैं उस विवाह के दिन के लिए जो उसकी तैयारी होती है. सो लेट अस टुडे टेक एडवांटेज ऑफ दिस डे एंड स्टार्ट आवर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस टू कम बिफोर द किंग. तो आइए हम अपने आप को उस शुद्धिकरण के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि हम उस राजा के सामने आ सके. फेवर कम्स ओनली फ्रॉम गॉड. एहसास केवल परमेश्वर की ओर से आता है. Her beauty preparation, which lasted for 12 months, allowed her to come before the king. और जिस प्रकार वो तैयार करती है उस 12 महीने तक अपने आप को जिस प्रकार वो राजा के सामने आने के लिए. He made her his queen. और उसके बाद उस राजा ने उसे रानी बनाया गया. So let us therefore come boldly unto the throne of grace to find favor in the sight of God. तो आइए हम साहस के साथ उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए जो अनुग्रहों से भरा है ताकि उसके सामने हम एहसास को पा सके. We are the bride of Christ. हम जो मसीहा की नो उस दुल्हन के तौर पर हैं. And let us get ready. तो आइए हम अपने आप को तैयार करें. This is the day, if you do not know Yeshua HaMashiach, accept him into your life. अगर आज आप उस यीशुआ मसीहा को नहीं जानते हैं तो अपने जीवन में अंगीकार कर ले आज. It starts with repentance.
और वो शुरू होता है उस पश्चाताप के द्वारा. एंड वंस वी हैव रिपेंटेड ऑफ आवर सिंस वी कैन स्टार्ट द प्योरिफिकेशन प्रोसेस. वेदर यू नो हिम और डू नॉट नो हिम, रिमेंबर हाउ वी शुड बी वॉकिंग इन हिज साइट. अगर एक जिस प्रकार आप ठहराए गए हो उस दिन से शुरू कर सकते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो, मगर उस लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं. ऑल थिंग्स कम फ्रॉम द किंग ऑफ किंग्स दैट इज यीशुआ हमशियाक. सभी चीजें उस राजाओं के राजा की ओर से आता है जो यीशुआ मसीहा है. ओनली ही कैन गिव यू फेवर. और वही केवल आपको एहसास दे सकता है. डोंट थिंक ऑफ योर पोजिशन राइट नाउ. यू मे बी जस्ट नथिंग और यू मे फील यू आर नथिंग, बट रिमेंबर इफ यू हैव हिम इन योर लाइफ यू कैन डू ग्रेट थिंग्स फॉर हिम. आप अपनी अवस्था को ना सोचें, चाहे आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं, मगर जो कुछ वो करता है उसके लिए आप ठहराए गए हो. सो एक्सेप्ट हिम इनटू योर लाइफ एंड इफ यू हैव नॉट एक्सेप्टेड हिम, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट से आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस इन योर प्रेशियस एंड होली नेम यीशुआ हमशियाक एंड आई आस्क यू टू फॉरगिव मी ऑफ ऑल माय सिंस एंड एक्सेप्ट मी एज योर चाइल्ड. अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो आज आप कह सकते हैं एक शब्द, मेरे पापों को तू क्षमा कर, यीशुआ मसीहा मैं तेरे आपके अंदर में आना चाहता हूं. और आज से आप उस यीशुआ मसीहा के बालक बन जाओगे. वी विल कंटिन्यू दीज टीचिंग्स एट अ लेटर डेट विच विल बी द फॉलोइंग वीक्स ऑन द बुक ऑफ एस्थर. इफ यू हैव फेल्ट दैट यू हैव रेड और सीन दिस मैसेज मेनी टाइम्स, डोंट पुट इट अवे बिकॉज गॉड इज स्पीकिंग इन टू योर हार्ट. Even if this message comes several times to you, remember that God is insisting that you prepare yourself as the bride for Him. आने वाले कड़ी में भी इसी संदेश को हम आगे बढ़ाएंगे. हो सकता है इस संदेश को आप कई बार सुन चुके हैं, तो इस संदेश को आप अलग ना करें, मगर परमेश्वर आपको अवसर देता है अपने आप को तैयार करने के लिए, शुद्ध करने के लिए. जिस प्रकार आप ठहराए गए हो ये आपसे ही बातें करती है. Thank you for watching The Voice of the Messiah. If you have any queries, you can write to us or call us on the number which is on the screen. And from us at the studio, we thank you for bringing us into your home. And God bless in Yeshua HaMashiach's name. और हम धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार आपने इस कार्यक्रम को देखा. अगर कोई भी विचार आपके अंदर में होता है या कोई प्रश्न उठता है जो यहाँ पर पता बताया गया है, उसकी ओर से देखें. और स्टूडियो की ओर से यीशुआ मसीहा के नाम से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. हैव अ गुड वीक एंड शलोम. एक अच्छा सप्ताह होने पाए और परमेश्वर की शांति आप पर हो.